नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद की में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिले हैं हर बार की तरह। ज़्यादा समय नहीं बचा दोस्तों, सीटेट एग्जाम आने में 8 दिसंबर को होने वाली है, समथिंग 12 से 13 दिन बचे हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका आकलन भी होता रहेगा कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, और अभी तक आपने जो पढ़ाई की है बाल विकास की किस तरह की नॉर्मल है, या फिर कितना आप नंबर ला रहे हैं। यदि आप 20 से 25 के बीच में यदि नंबर ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है। यदि 20 से कम आ रहे हैं तो आपको इन 12 और 13 दिन में और मेहनत करने की जरूरत है। 13 दिन या फिर 12 दिन बचे हुए दोस्तों, इसमें जितनी मेहनत हो सके उतनी कर लो, क्योंकि उसके बाद तो एग्जाम हो ही जाएगी, उसके बाद तो आराम ही आराम है। तो जब तक एग्जाम खत्म ना हो तब तक थोड़ा मेहनत कर लीजिए ताकि आप उसमें अच्छे नंबर ला सके सीटेट एग्जाम में, जो कि 8 दिसंबर को होने वाली। तो यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में बाल विकास के 30 प्रश्न मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। साथ ही साथ यदि हमारा एंड्रॉयड ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसको डाउनलोड नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर समथिंग आपको 15,000 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि कोई सी भी एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो या फिर सीटेट एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए काफ़ी है। तो उनको भी पढ़ लीजिएगा, उनको हर प्रश्न की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ पर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ या फिर अन्य टेट एग्जाम हुआ, सभी के दोस्तों वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है। यहाँ पर सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है, इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को किस व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सकता है, समायोजित, लिंग, मनोवैज्ञानिक या फिर तुलनात्मक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सकता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है, कथन तकनीक है, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन क्रिया है, खेल पद्धति है या फिर व्याख्यान तकनीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन क्रिया में मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन है कौन सा है। चार विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको बताना है शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन क्या है। दो विकल्प यहाँ दे रखे हैं, दो नीचे दे रखे हैं, तो अच्छे से चारों विकल्पों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन है। यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला रहेगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चार विकल्प को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है, अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौनों को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुंह जुबानी याद कर लेना या फिर माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, मिट्टी के एक खिलौनों को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर या फिर छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, छात्रों की बुद्धि में अंतर के कारण एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से वो कौन सा कथन है जिससे बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। इन तीनों विकल्पों या फिर उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। चलिए अगला प्रश्न है,
यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में पूछा गया है यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से क्या चुनेंगे, आपको बताना है शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से आप किसे चुनेंगे, चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है यदि कोई शिक्षक नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ताकि शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व शिक्षार्थियों की जानकारी से अवगत हो सके। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आठवां, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है, यहाँ पर आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए चार विकल्पों में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार में मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं और व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, यहां पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका आंसर भी पता होगा क्योंकि काफ़ी बार आपको यह प्रश्न देखने को मिला होगा, पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर प्रौढ़ा अवस्था है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था के दौरान होते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है, इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है, किसमें, किशोरा अवस्था में, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, व्यवस्थापन कहा है, खोज कहा है, सात्मीकरण कहा है या फिर निर्माण कहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को सात्मीकरण कहा है, क्या कहा है, सात्मीकरण, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है, बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत जिसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि क्या बताता है, शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है, शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए या फिर शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, यहाँ पर दोस्तों शिक्षा का सिद्धांत बताता है कि बालक के लिए शिक्षण उस समय तक कारगर नहीं होगा जब तक उसमें सीखने के लिए रुचि जागृत ना हो जाए। पहले क्या होता था, बालक को दंड या अनुशासन द्वारा नियंत्रित करके ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया जाता था, पर अब इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि बालक के शिक्षण में उसकी रुचि का जागृत करना आवश्यक है। यदि हम अपने व्यवहार के बारे में सोचें, यदि हम अपने ही व्यवहार के बारे में सोचें तो हम पाएंगे कि किसी वस्तु पर हमारा ध्यान तभी केंद्रित हो पाता है जब हमारी उसमें रुचि हो। तो यहाँ पर जो शिक्षा का रुचि का जो सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, किसको समाहित किया जाता है पाठ्यक्रम में, चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो या फिर जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है आप क्या करेंगे यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है, तार्किक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक या फिर कल्पनात्मक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, देखिए इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन के तहत शिक्षार्थी अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इनकी विशेषताओं को पता होना चाहिए। यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको वो एक ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास होता है, ना कि शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना होता है। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है, कौन सा शिक्षक प्रभावी माना जाता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा, जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो, जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो या फिर जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो व्यवहार में प्रभावी हो। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी जो रिक्तिस्थान से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है, वो किससे ग्रस्त होगा, डिसग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, अफिक्सिया से या फिर डिसकैल्कुलिया से। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, सबको अच्छी तरीके से समझाया है। यदि आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक को अच्छे से समझाया है। यहाँ पर सीटेट एग्जाम में पूछा ही जाता है, यदि आपने सीटेट के पिछले पेपर यदि उठा के देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको बताना है एक शिक्षार्थी जो रिक्तिस्थान से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है, वो किससे ग्रस्त है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। याद रखिएगा डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है, तो किससे ग्रस्त होगा, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होगा। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आप उसका आंसर देना। देखिए प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। कभी कभी क्या होता है प्रश्न को अपन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर को टिक लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये आंसर नहीं था क्योंकि हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा ही नहीं और हमने टिक लगा दिया। यहाँ पर पूछा गया है कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम कौन सा नहीं है, तो ये प्रश्न पर ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्री का प्रयोग, ये कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है, यहाँ पर फिर से प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है, फिर से का मतलब है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि बुद्धि के विषय में सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, यहाँ बुद्धि के विषय में सत्य कथन नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, क्योंकि बुद्धि को मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखा गया है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है, ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला बुद्धि। मैं फिर बता देता हूं, बुद्धि को मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखा गया है, कौन कौन सी, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ना कि बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में। चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य कथन है वो यहाँ है कि यहाँ विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, किसमें सामान्य शिक्षा में, विशेष शिक्षा में, अनुकूल शिक्षा में या फिर समावेशी शिक्षा में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है समावेशी शिक्षा में, सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। तो यहां पर हमारा अगला प्रश्न है, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा या फिर मौखिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है, शिक्षण का यह सूत्र किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, हल्के प्रयोगों पर, आसान से कठिन की ओर या फिर शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र गेस्टाल्ट प्रयोगों पर आधारित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए तथ्यों पर सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है, क्या कहलाता है, सामान्यीकरण, एकीकरण, अनुप्रयोग या फिर संबंध जोड़ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, दिए गए तथ्यों पर सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में सामान्यीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाइयां हो रही है, उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाकर हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी, उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आपको बताना है जो शिक्षक है या फिर अध्यापक है उनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो किस सिद्धांत पर आधारित होगा। तो यहाँ होगा विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, इस सिद्धांत पर आधारित होगा जो कि अध्यापक अनुमान लगाया गया है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपको बताना है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का कौन सा क्षेत्र है, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है या फिर अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक आपको बताना है क्या होगा? विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना, श्यामपट का अधिकाधिक उपयोग कराना या फिर साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ पर जो बाल विकास के हमने जो 30 प्रश्न लिए थे वो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है। जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझ कर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना, अभिग्रहण सीखना या फिर अर्थपूर्ण सीखना। तो यहाँ पर सही आंसर है वहां अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। अर्थपूर्ण सीखना का तात्पर्य होता है जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वहां सीख जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। यह अर्थपूर्ण सीखने का अर्थ होता है, उसका तात्पर्य होता है। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे बाल विकास के यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपने सुझाव उसमें जरूर दीजिएगा कि उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं और जो उसमें स्टडी मटेरियल है वो आपको कैसे लगा तो वो कमेंट्स के माध्यम से आपको जरूर देना। तो जल्दी से दोस्तों ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आप बताइएगा कि मैंने डाउनलोड कर लिया है सर, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो